रेल यात्रियों को बड़ी राहत, कोरोना काल से पहले की तरह सामान्य तरीके से दौड़ेंगी 1700 स्पेशल ट्रेन। रेलवे बोर्ड ने जारी किया बदलाव का सर्कुलर, 30% तक किराया घटाने का ऐलान, पुराने किराए पर यात्री कर सकेंगे सफर। पिछले साल मार्च में बंद हुआ था ट्रेनों का संचालन, लॉकडाउन के बाद स्पेशल का टैग लगाकर वसूला जा रहा था 30% अतिरिक्त किराया। रेल मंत्रालय के मुताबिक जल्द लागू होंगे नए नियम, अब पुराने नाम और नंबर के साथ दौड़ेंगी ट्रेन। जनरल के टिकट पर अब भी पाबंदी, यात्रा के लिए रिजर्वेशन जरूरी। पहले से की गई बुकिंग पर नहीं मिलेगी कोई राहत, रेलवे ने कहा ना अतिरिक्त चार्ज वसूलेंगे ना रिफंड मिलेगा। महाराष्ट्र तक पहुंची त्रिपुरा हिंसा की आंच, बंद के दौरान कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़, जबरन बंद करवाई गई दुकानें। नांदेड़ में सामने आया हिंसा का सीसीटीवी फुटेज, प्रदर्शनकारियों ने एक गाड़ी पर किया हमला, पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़, पथराव में कई पुलिस वाले घायल। वाशी में भी बंद समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात, दुकानें बंद करवाने के लिए की गई तोड़फोड़, कई दुकानदार जख्मी। वाशी में पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस, साथ हिरासत में सीसीटीवी से की जा रही है हुड़दंगियों की पहचान। अमरावती में बंद के दौरान सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी, खुली दुकानों पर हमला, दुकानदारों से मारपीट। नासिक के मालेगांव में भी बिगड़े हालात, जबरन दुकानें बंद करवाते नजर आए प्रदर्शनकारी, पुलिस पर भी पथराव। औरंगाबाद में बंद का व्यापक असर, दिन भर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, गिरे रहे दुकानों के शटर। आज अखिलेश यादव के गढ़ में गर्जेंगे अमित शाह, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय के शिलान्यास का प्रोग्राम, बस्ती में संसद खेल महाकुंभ की करेंगे शुरुआत। मिशन पूर्वांचल पर वाराणसी में अमित शाह ने किया मंथन, विधानसभा प्रभारियों से 2.5 घंटे तक चर्चा, काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। अमित शाह की यूपी दौरा का अखिलेश का बार, कहा हार सामने देखकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में मची खलबली, हर हफ्ते दौड़ लगा रहे हैं बड़े नेता। योगी के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी में अखिलेश यादव आज गोरखपुर से करेंगे समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत। बिहार में भी जिन्ना पर संग्राम, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने की जिन्ना की तारीफ, कहा एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना संयुक्त भारत के लिए जो आजादी का मूवमेंट चला, उसके बड़े फ्रीडम फाइटर। जिन्ना पर जेडीयू नेता के विवादित बयान पर बीजेपी का वार, सम्राट चौधरी ने कहा जिन्हें जिन्ना पसंद है वो पाकिस्तान चले जाए, भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना होगा। प्रवास जिन्ना के पसंद करने वाले लोगों के लिए खुला ऑफर है कि आप पाकिस्तान में जाकर प्रवास करें। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से बिगड़े हालात, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। खतरे के स्तर से ऊपर पहुंचे प्रदूषण का स्तर, सफर के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को 499 के स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। पराली और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बढ़ा रहा है दिल्ली की मुश्किलें, नोएडा में निर्माण कार्य की वजह से बढ़ा PM10 का स्तर। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, तमाम इलाके जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग के मुताबिक आज से मुसीबत के बादल छटने की उम्मीद, बारिश में कमी की संभावना।